साईं भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्री साईं सतचरित्र अध्याय 4। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगणों का प्रयाग, स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, तीन वाड़े, संतों का अवतार, भगवत गीता अध्याय 4-7-8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं, अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न होती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेक संतों, निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गौणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरिदास, नरसी भाई, सज्जन कसाई, सावंता माली और रामदास तथा अन्य कई संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सबके पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र शिरडी तीर्थ अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान नरसिंहवाड़ी और औदुम्बर, शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेड़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती वे बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य में शिरडी का विशेष महत्व बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दान वीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों से सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहने वाले उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण भी उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के समान सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित्र मात्र भी चिंता नहीं थी।
वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखना और गजल कबालियों को सुनना वे पसंद करते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग नहीं होती थी। ईश्वर का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। ना उनके आश्रम का कोई निश्चित कर सकता था और ना ही उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों में और व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवारों के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः मध्यान और सायंकाल लैंडी बाग और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्म स्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरड़ पावन बन गई, उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैंठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं के चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म हैं। वे छंदों से परे रहते और कभी लाश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्म स्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका, कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, चित्त को परम शांति मिलती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौलीबुआ, लगभग 94 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौलीबुआ था, पंढरीपुर के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर और 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ, नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौलीबुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन
और भजन में विशेष अरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक कहकर पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका तो यही है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो, यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। दासगणों का प्रयाग स्थान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहां स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष पर सहस्त्रों भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास रखो। आश्चर्य महान आश्चर्य, जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नतमस्तक हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग के साथ बहने लगी। यह चमत्कार देख दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतःस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्रोतस्विनी स्वतः प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी भी को भी ज्ञात नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई भी संतोषप्रद उत्तर और उसका सूत्र हाथ न लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था, वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर गोनाई के और कबीर भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण महाज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव की एक वृद्ध स्त्री नाना चोपदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है, एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला और अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के तले समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी और गर्मी की उन्हें किंचित मात्र चिंता नहीं थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि युवक का कहां से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी
कि वे एक बार देखने मात्र से लोगों को आकर्षित कर लेते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर नहीं जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोवा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहां से आगमन हुआ है। भगवान खंडोवा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां चार दीपक जल रहे थे। उन दरवाजों का एक मार्ग गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोवा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतः मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्वतः बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और दुम्बर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने उस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसपति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। तीन वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली थी और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह बाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहां धूप अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का सलाह दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने यथार्थ रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया, और इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के हेतु एक बाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9/12 सन 1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं हुई। दादा साहेब खापरडे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई, और दूसरी चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी के सन 1911 में शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांत पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां तीन तीन वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में ही बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल शिरडी से श्री साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास जानकीदास
और गंगागीर की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।